यही से वो कंट्रोल करते थे पूरे भारत को। जहाँ तक मुझे मालूम है कि हमारे जो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं इस जगह पे। सोचो डेडिकेशन, वो भी तीसरी वाइफ के लिए। तो यहाँ से मारा करते थे उनको चुपके से। ब्रेल लिपि का आपने नाम सुना होगा, तो इससे टच करके वो लोग पढ़ सकते हैं। सो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं आगरा फोर्ट के सामने। बट लाइन देखो कितनी लंबी लाइन है। हम लोग वहाँ से आए नान लगाते हुए, बहुत लंबी लाइन है। इधर टिकट काउंटर है बट फिलहाल क्लोज्ड है कोविड की वजह से। और ये सब चीज़ें देख के कोविड तो भाग ही जाएगा, इतनी भीड़ हद हो गई। इसलिए ऑनलाइन टिकट करानी पड़ेगी आपको ESI की वेबसाइट से। ₹35 वैसे ऑनलाइन है, ऑफलाइन यहाँ से होती तो ₹40 पर हेड इंडियन के लिए। दिल्ली का लाल किला तो मैंने देखा हुआ है, अब आगरा का लाल किला यानी कि रेड फोर्ट यानी कि आगरा फोर्ट देखना बाकी है। वैसे सेम ही है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। पहले यहाँ से ऑपरेट किया करते थे पूरे हिंदुस्तान को मुगल जो शासक थे, उसके बाद उधर से यानी कि लाल किला से। तो इतना ही पता है फिलहाल मुझे, बाकी जैसे जैसे अंदर जाऊँगा आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता मुझे यहाँ की, तो आप लोग गाइड हायर कर लिए अगर आप लोगों को करना है तो, वरना सिर्फ देखना है तो ₹35 लगेंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन ₹40 लगेंगे। तो गाइस फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है। तो गाइस यही है आगरा फोर्ट, यहाँ से कमान संभाली जाती थी बहुत साल पहले। और जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था वो थे बाबर, हुमायूं, शाहजहां, उनके बेटे औरंगजेब और जहांगीर, इन सब ने रूल किया था यहाँ पे। यहीं से वो कंट्रोल करते थे पूरे भारत को। और फिर बाद में उन्होंने रेड फोर्ट बनाया जो कि था दिल्ली में मुगल ने। बट कहा जाता है कि मुगल ने नहीं बनाया रेड फोर्ट, वो बनाया था पृथ्वीराज चौहान के वंशज ने। तो क्या सच है क्या नहीं आप लोगों को पता होगा, बट ये भी सेम वैसे ही है। जो कंस्ट्रक्शन उसका है सेम इसका भी यही है। अगर आप लोगों ने मेरे रेड फोर्ट के ब्लॉग्स नहीं देखे तो देख लेना, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, पूरी हिस्ट्री दी हुई है उसके बारे में। सेम रेड फोर्ट की तरह ये जो पत्थर है ये आई थिंक फतेहपुर सीकरी से मंगवाए गए हैं, और ये है लाल बलवा पत्थर, तो इसी से कंस्ट्रक्शन है पूरा। कलर तो नहीं निकलता, अच्छे पत्थर है। तो बलवा पत्थर से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है। दूसरी, 5 लोगों ने रूल किया था इसमें सबसे ज़्यादा, और लास्ट जो रूलर था इसका वो था औरंगजेब। और औरंगजेब वही है जिसने अपने बाप को यानी कि शाहजहाँ को कैद कर लिया था इसी के अंदर। और गाइज आप लोगों ने कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना ही होगा, तो वो यहीं पे था। और कहा यह जाता कि उस कोहिनूर के हीरे के थ्रू जब शाहजहां को यहाँ पे कैद कर लिया गया था तो कोहिनूर के हीरे के थ्रू वो यहाँ से ताजमहल को देखा करते थे। तो एक ऐसा व्यू पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से हम ताजमहल को देख सकते हैं, बट वो काल कोठरी से किसी एक ऐसी कोठरी में थे उसके थ्रू देखा करते थे। लेकिन हम लोगों के लिए एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ से हम ताजमहल को देख सकते हैं, तो वो व्यू पॉइंट आपको दिखाऊंगा मैं। तो एग्जैक्टली कहाँ पे शाहजहाँ को बंद किया गया था वो तो नहीं मालूम मुझे, वो तो आपको गाइड का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो आपको गाइड कर सकता है यहाँ से। और फिर आपको पता ही है कोहिनूर कौन चुरा के ले गया, सबको पता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। वो कंस्ट्रक्शन ऐसा ही है, इसलिए इसके टिकट थोड़ी बहुत सस्ती है क्योंकि इसमें से पत्थर वत्थर हैं, बाकी मॉस्क के शेप में थोड़े बहुत ऐसे हैं। अब इनका महत्व मुझे इतना नहीं मालूम। बेसिकली जो लाल किला है यानी कि दिल्ली में, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। बट ये भी एक टाइम पे एक तरह की राजधानी हुआ करती थी, आप सभी को पता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा रूल हुआ है पूरे भारत में भी। तो बेसिकली जैसा इतिहास में लिखा गया है कि इसको सिकंदर लोधी द्वारा बनवाया गया था, और उनके बाद जिन्होंने इस पे रूल किया था तो उनका बेटा था इब्राहिम लोधी, और उसके बाद जिसने रूल किया था वो थे बाबर। तो वहाँ से फिर वो प्रथा शुरू हो गई और औरंगजेब पे आके ख़त्म हो गई। और पानीपत की लड़ाई के बाद पानीपत के मुगल्स के द्वारा इस पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी गई थी, बट वो नाकामयाब रहे।
इधर पे मीना बाजार वगैरह लगता था। मीना बाजार बेसिकली मुगल्स के टाइम पे बहुत लगता था, तो इधर पे लगता था, बट फिलहाल बंद है, कंस्ट्रक्शन पीरियड पे है ये, तो खाली खाली सा है। बीच में थोड़ा बहुत बाग बगीचा है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो छाँव कहीं पर नहीं है, बस अंदर की साइड है, तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक तो पहले ही बाहर 15-20 मिनट खड़े रहे, ऊपर से फिर एंट्री ली और फिर ऐसा खाली देखने को मिला, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा हमें। थोड़ा उस साइड जाके देखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें शायद। और गाइस, जहाँ तक मुझे मालूम है कि हमारे जो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं इस जगह पे। फोटो क्लिक करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, आपके रील्स बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से ताजमहल का व्यू दिखता है, ऊपर की साइड जाएंगे वहाँ से दिखाएंगे आपको, लेट्स गो। और यहाँ पे तख्त हुआ करता था, सिंहासन हुआ करता था, जो भी महाराजा यहाँ पे बैठता था, यानी कि मुगल बैठता था जो भी, और यहाँ पे सारी सभा होती थी, स्पेशल लोग, तो ऐसे करके दीवाने आम दीवाने खास हुआ करता होगा, लेकिन हमें कुछ आइडिया है नहीं। तो गाइस, इधर पे है नगीना मस्जिद, जाना होगा, जा सकते हो आप लोग। फिलहाल हम लोग मस्जिद में नहीं जा रहे, मैं आपको यहाँ से ताजमहल दिखाता हूँ। तो इस जगह से ताजमहल का लुत्फ उठाता होगा शाहजहाँ, लेकिन उसके बेटे ने उसको बंदी बना लिया था, तो उसके बाद कालकोठरी से वो कोहिनूर के हीरे के थ्रू ताजमहल को देखा करता था। सोचो डेडिकेशन, वो भी तीसरी वाइफ के लिए। तो गाइस, यहाँ से जमुना नदी, यानी कि यमुना नदी दिख रही है, जो यमुनोत्री से निकली है, यानी कि उत्तराखंड से निकली है, बहुत गंदी हो जाती है यहाँ पे आके। और यहाँ से ताजमहल का भी दीदार होता है, यानी कि ताजमहल के दर्शन होते हैं। तो ताजमहल बिल्कुल मेरे सामने है, इस जगह से आप देख सकते हैं ताजमहल को, यमुना नदी को भी देख सकते हैं आप लोग। और वो रहा ताजमहल, थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। और नीचे की साइड है मेन रोड, और जो गोल गोल से हिस्से बने हुए हैं उनका मकसद मैं आपको बताता हूँ। जब कोई अटैक करता था उस टाइम पे, उधर से अटैक कर रहा हो, तो यहाँ से बंदूकें तोपे जो भी होती थी उस टाइम पे, तो यहाँ से मारा करते थे उनको चुपके से, ताकि इन पे वार ना हो और उन तक गोलियाँ चली जाए। और गाइस, जहाँ से ताजमहल का दीदार हो रहा है, तो इस जगह को बोलते हैं शाही हमाम, और यहाँ से उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे यहाँ से दीदार करते थे ताजमहल का। और गाइस, ये है तख्त जहांगीर, जहांगीर का तख्त था इधर पे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रुक पाया इस साइड पे। और ये है दीवान ख़ास, यहाँ पे ख़ास मेहमान आया करते थे और अपनी सभाएं किया करते थे, तो इधर पे उसका तख्त लगता था, तख्त जहांगीर का। तो गाइस, 35 रुपये में ठीक है, चिल आउट से निकले प्लेस, ठीक है, वन टाइम विजिट तो है, लेकिन जो दिल्ली का लाल किला है इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, ये छोटा है उसके हिसाब से। और यहाँ से नीचे जाने का वापस रास्ता, जो मुगल बादशाह था वो अपने आम लोगों से बातचीत किया करता था इधर पे। और इधर पे तोप खाना है, कुछ तोपे हैं यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं इस साइड पे, पता नहीं क्या चीज़ है, बट हम लोगों को फिलहाल जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी सेम वही रूल है, कैमरा अलाउड है, ट्राईपोड अलाउड नहीं है, माइक अलाउड नहीं है, खाने पीने की चीज़ें अलाउड नहीं है, पानी अलाउड है, सेम जो ताजमहल में था, बट ताजमहल बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया हम लोगों के लिए, और ये ठीक है, सस्ता है थोड़ा। और ये है इस साइड खास महल, खास लोगों के लिए था, तो ये है पूरा का पूरा खास महल। ये सुंदर है, तो मतलब सुंदर है तो ये उनके लिए हो सकता है, रानियों के लिए या फिर खास लोगों के लिए। और ये जो दिख रहा है आपको इस साइड और इस साइड, उस साइड और उस साइड, ये है अंगूरी बाग। तो अगर आप लोगों को वहाँ पे विजिट करना है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं वहाँ से भी, वो जो जालीदार छेद दिखाई दे रहे हैं, वैसे कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे मुझे मालूम है, वहाँ से भी ताजमहल का दीदार हो सकता है, यानी कि ताजमहल के दर्शन हो सकते हैं। और यहाँ पे फाउंटेन चलता है, बट फिलहाल बंद है। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए, ब्रेल लिपि का आपने नाम सुना होगा, तो इससे टच करके वो लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या जगह है, क्या महत्व है।
गाइज़ आपके पास टाइम होगा तो इधर भी विज़िट कर लेना, हम तो जा रहे हैं घर। तो गाइज़ इतना ही था आगरा का फोर्ट, और इसको लाल किला भी कहते थे एक टाइम पे, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया, वो बन गया लाल किला, ये बन गया आगरा किला। गाइज आप लोग लाइन देखिए कितनी लंबी है, बिल्कुल रोड तक जा रही है लाइन। आप लोग ये छेद देख रहे हैं, यहाँ से बंदूकें निकाली जाती थी ताकि जो भी आए तो उस पर सीधा गोलियां ताने। और ऊपर ऐसे लेयर दिखाई दे रही होगी आपको, शायद दिखाई दे रही होगी कि नहीं, उससे गर्म तेल की धार फेंकी जाती थी इस साइड से भी, गर्म तेल की, ताकि जो लोग चढ़ने की कोशिश करें उन लोगों के ऊपर गर्म तेल आए। यहाँ पे यमुना के जल से इसको भरा जाता था, इस हिस्से को। तो ये था इसका इतिहास। तो गाइज यही था आगरा फोर्ट पूरा का पूरा, आप लोगों को दिखा दिया मैंने। तो बस आगरा फोर्ट के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय, जय हिंद। लेकिन मामा मम्मी और भाई तो आए नहीं इधर, इन्होंने बोला कौन जा रहा है इधर पे, थक गए ये लोग।